देखिए आज हम लोग सबसे पहले तो बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल पीरियडिक टेबल से। आई होप पीरियडिक टेबल तो सभी लोगों ने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। कभी कभी जेई एडवांस के भी नॉगनिक में पीरियडिक से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मेंस में तो भी आपने देख ही होंगे क्वेश्चन पूछे हुए पीरियडिक टेबल से। देखिए किसी की शिफ्ट में आए थे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखें बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ में, सबको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन याद है सबके, है ना। तो पहले वहीं से शुरू करते हैं, टेबल बनाते हैं, ठीक है। आप मेरे हिसाब से चले। दूसरा, मैं आपको हर क्लास में ना कुछ याद रखने वाली चीज़ें बताया करूँगा, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ फ्लैश नोट्स। क्या बोलता हूँ? ये कंसेप्ट मैंने अभी शुरू किया है। इनऑर्गेनिक स्टडी प्रॉब्लम रहती है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती है। तो हर क्लास, जितनी अपनी क्लासेस होंगी, उसमें मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको उसको अपनी कॉपी में कहीं पर साइड में लिखना है, एक ऐसे पेज में जिसको आप वापस से रिटेन कर पाओ। और अब वो कुछ नहीं करना है, उसको दिन में 2 से 3 बार सिर्फ, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना आप, ऐसे पढ़ना है। रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़ना है बस, है ना। नींद भी अच्छी आएगी, नॉगनिक पढ़ लोगे रात को। हाँ, इसीलिए तो आपको जब लगे ना बस अब मैं लुढ़कने वाला हूँ, उसी पॉइंट पर कॉपी खोल के फटाफट उसको पढ़ लेना और फिर सो जाना। बहुत अच्छी नींद आएगी और इन्फॉर्मेशन तो आपको याद हो ही जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखें, ध्यान दें, इनऑर्गेनिक ऑब्वियसली कई जगह पर बहुत लॉजिकल है और कई जगह पर इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। तो पीरियडिक हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब बहुत लॉजिकल है। इनमें आपको ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा। शीट आपके पास आ गई है, एटलीस्ट इसको सॉल्व करें। एटलीस्ट, एटमोस्ट तो जो आपकी इच्छा हो सब कुछ सॉल्व कर सकते हो ढूंढ के आप। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनमें आधी चीज़ें लॉजिकल होगी, आधी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होगी, जिनको आपको अपने साथ साथ रिटेन करना होगा। बहुत सारी पीएचडी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जितना नोट्स में पढ़ाऊंगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, और ये भी गारंटीड है, आप ढूंढ लेना आने के बाद, मतलब एडवांस पेपर से कंपेयर कर लेना। तो कोई दूसरी दुनिया से क्वेश्चन कभी नहीं आता है। जितना काम कहा जाए उतना आप कर लें, बाकी अपने बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करें, बड़े आराम से आप उसको कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद पीरियडिक टेबल। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको सिखानी है, इसलिए मैं आपको पीरियडिक टेबल साथ में बनवा के ही चल रहा हूँ। आई होप तो याद तो आप सभी को होगी। कहाँ से शुरू होता है? फिर डिफरेंशियम, हाँ बेटा, कन्या सुंदर, देखो वो पिताजी से मांगोगे तो उसके लिए आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। आजकल तो वैसे ही खुद ही ढूंढने का चला ना हमारी तरह। क्या बोल रहे हो? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कौन आता है? स्कैंडियम, बस। चलिए, याद रखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे एक तो बोला सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। एक वो साइंस टीचर विनीता कुरमानी, मन फेंकोनी क्यों जाने, और एक मेरा वाला स्कीम टाई वाले क्यों माने, फिर कोई निकला कोटा जाने। खैर हमें इससे मतलब नहीं है, मेन चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोले। पहले तो इस ग्रुप का क्या होता है? NS1। ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो उसी हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2। हाँ भाई, ये 3d1 4s2, ये 3d2 4s2, ये 3d5 4s1 3d6 4s2 3d7 4s2 3d8 4s2 3d9 4s2 3d10। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। वो रूल पढ़ा आपने 2 8 8 18 18, तो उसके थ्रू आप एटॉमिक नंबर्स निकाल सकते हो। किसी का याद रखने की जरूरत नहीं, कोई एक दो हिंज पॉइंट याद रखो, ये हिंज पॉइंट है 21। तो देखो 2 8 8, अब इसके बाद क्या आएगा? 18। तो 21 प्लस 18
अगला जो एटम आएगा उसका टोटल नंबर 39 होगा, 39 प्लस 87 सॉरी 39 प्लस 18 57 और 57 प्लस 32 क्या आ जाएगा 89, क्योंकि कई बार आपको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर ये सब निकालने होते हैं। अच्छा ये कौन सा ग्रुप है? First, ये second, ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये है मॉडर्न पीरियडिक टेबल। अगर हम मेंडलीव के हिसाब से चले तो ये कौन सा ग्रुप होता है? फर्स्ट ए, ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ, ये सिक्स बी, ये सेवेंथ बी, नहीं एट्थ बी नहीं, ये कौन सा ग्रुप होता है? एट्थ। फिर इसके बाद ये कौन सा आता है? फर्स्ट बी, और ये कौन सा आता है? सेकंड बी। सही है, चलिए उसके बाद यहां पर कौन आता है? यूट्रियम, उसके बाद जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूडियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। हाँ कॉन्फ़िगरेशंस चलिए ध्यान दें, वैसे इनके कॉन्फ़िगरेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आप एटलीस्ट पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर याद रखें, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर काम में आता है। क्योंकि अब दोबारा तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे नहीं, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं पे कवर कर रहा हूँ। तो आप सबका भी लिख सकते हो चाहो तो, आपको ये याद रखना है कि इस सीरीज़ के अंदर 3 और 8 नहीं आता है, इसे हम बोलते हैं 3D सीरीज़। क्या बोलते हैं? 3D। ये होगी 4D सीरीज़ और ये कौन सी होगी? 5D। तो 4D सीरीज़ में 3 और 8 नहीं आता है, तो आप शुरू करो इसको फिल करना। दोस्तों कॉन्फ्यूजन क्या बनेगा बताओ? 4D1 5S2, 4D2 5S2। अब D3 नहीं आता है तो क्या आएगा? 4। तो 4 जब यहाँ पर आएगा तो देखो 4D4 और 5S1 से शुरू होगा, और अब ये कहानी चलती रहेगी। 4-1 ये क्या बनेगा? 5-1 ये क्या बनेगा? 6-1 ये क्या बनेगा? 7-1 ये क्या बनेगा? तो यहाँ पर 8 तो ये बन जाएगा 4D7 5S2। ठीक, फिर ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा 4D, एक्चुअली एक सेकंड, ये 4D9 5S1, ये बनेगा 4D10 5S0। बाकी इसको एज इट इज फॉलो करेंगे, ये बनेगा 4D10 5S1 और ये बनेगा 4D10 5S2। बोलो समझ में आ रहा है? इसके बाद आपके पास अगली सीरीज बनती है जो कहाँ से शुरू होती है? लेंथेनम से, उसमें हम लगाते हैं स्टार। अगला एलिमेंट कौन आता है? हॉफनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 72। तो 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स, इनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं यहाँ। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा से ईरान में पिटाऊंगा। सही है, लास्ट वाली सीरीज में 8 नहीं आता। क्या नहीं आता? 8 होता ही नहीं है। तो 8 तो यहाँ गया था ना अपना, 7 और 9, यहाँ पे क्या था अपना? 3 और 8 था ना, तो 3 और 8 यहाँ नहीं होता। यहाँ पे आपके पास 9 नहीं आएगा, 9 तो आएगा 6S1। इस वाली सीरीज में अगर आप ध्यान दें तो ये बनेगा 5D1 6S2, 4 नहीं आता इसमें, ये बनेगा 5D2 6S2, ये बनेगा 5D3 6S2 और ये आपके पास क्या बनेगा? 5D5 6S1, ये आपके पास बन जाएगा 5D5 6S2, ये बनेगा 5D6 6S2। एक सेकेंड क्या हो गया इसमें, एक सेकंड रुको, ये नहीं आएगा इसको। इसमें हमने गलती कर दी है, ये वाली में ना 3 और 9 नहीं आता, ये 8 आएगा। इसमें 3 और 9 नहीं आता, इस वाली में 8 नहीं आता है, बाकी नॉर्मल चलता है। तो आप ध्यान रखना, ये जो आपकी 4D सीरीज थी इसमें 3 और 9 नहीं होता और इसमें 8 नहीं होता, तो इसको आप फिल करो, क्या बनेगा? 5D1 6S2, ये बनेगा 5D2 6S2, ये बनेगा 5D3 6S2, ये बनेगा 5D4 6S2,
ये बनेगा 5 6s 2, ये क्या बनेगा 6 6s 2, ये क्या बनेगा 7 6s 2। अब यहाँ 8 नहीं आता तो डायरेक्टली क्या आएगा 9 और 6s 1। ये प्लेटिनम का जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फिर नॉर्मल को फॉलो करेगा, क्या बनेगा 5d 10 6s 1 और 5d 10 6s 2। तो एटलीस्ट ये आपको याद होने चाहिए। ये आपके पास जो रीनियम है ये मेंस में पूछ चुका है एक बार, तो वहाँ कॉन्फ्यूजन काम में आया था, इसलिए इन कॉन्फिगरेशंस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। बट स्टिल मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, 3D सीरीज तो सबको याद होनी चाहिए, वो तो टिप्स पे होनी चाहिए। उसके अलावा प्लेटिनम पैलेडियम का अलग डिफरेंट कॉन्फिगरेशन होता है, ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत काम में आएगा। ये बाकी इनके नॉर्मल कॉन्फिगरेशंस को फॉलो करते हैं, बोलो याद रख सकते हैं। इसके बाद पी ब्लॉक के हैं, तो पी ब्लॉक के कॉन्फिगरेशन तो आसान होते हैं याद रखना, याद है ना वो तो। यहाँ से कौन कौन आ गया, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। मैं और भी चीजें बताऊंगा आपको यहाँ पे, इसलिए पहले इनको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर कौन है, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी। चलिए, तो इनके जनरल एक कौन सा ग्रुप हो जाएगा आपके पास, थर्ड है, या फिर आप इसे 13 ग्रुप, ये फोर्थ है, या फिर 14 ग्रुप, 15 16 17 18। इनका जनरल कॉन्फिगरेशन इस ग्रुप का क्या होता है, NH2NP1, ये क्या होता है NH2NP2, NP3 इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो ही बातें कॉन्फिगरेशंस क्या होते हैं। दूसरा जो मैंने आपको हिंज पॉइंट सिखाया, ये 30 है, तो बताओ 30 प्लस 18 इसका कितना होगा 48, 48 प्लस 32 इसका कितना हो जाएगा 80। तो कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो जनरली वो रेडियोएक्टिविटी के साथ मिक्स कर लेता है। जेई एडवांस ने एक बार किया हुआ है ऐसा, रेडियोएक्टिविटी में उसने एक एमिशन दिया था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन तो याद नहीं है पर आपको मिल जाएगा रेडियोएक्टिविटी जब आप पढ़ोगे वहाँ पर। तो उसने एक एलिमेंट दिया था जिसमें क्या हुआ था ना, जैसे मान लो मैं ऐसे ही कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मेरे पास लेट्स से एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 94X, लेट्स से 218 ऐसे कुछ बोला, इसमें से एक अल्फा गया और एक बीटा गया, ठीक। बताओ जो एलिमेंट बना उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा इस एमिशन से उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर क्या होगा। मुझे तो पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर चाहिए, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए। सिर्फ बीटा है तो नेगेटिव ही होता है, सिर्फ बीटा बोला है दैट इज -1 इज 0। सेवन पीरियड और थ्री भी नहीं बोलते, वो तो मेंडली के साथ था। थर्ड ग्रुप, हाँ भाई एक आंसर आया, थर्ड ग्रुप एंड सेवन पीरियड। क्या बोल रहा हूँ, एफ ब्लॉक का है क्या एलिमेंट, हाँ तो पीरियड नंबर बताओ ना। ग्रुप नंबर 3 सर, आगे पीरियड 7। सेवन कैसे, तो एक्टिनॉइड का है ना, हाँ। चलिए देखें, वेरी गुड, बहुत सिंपल सी बात है, ये आप ध्यान रखें 57 से 72 और 89 से 103 के सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 3 में आते हैं। तो ये आपके पास एलिमेंट था 94X218, इसमें से एक अल्फा गया, तो देखो जो इसमें से अल्फा जाएगा तो -2HE4 अल्फा होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो गया, 92 बन जाएगा। और फिर इसमें से एक बीटा -1E0, वो मैं चेक कर रहा था, आप ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे, वेरी गुड। और जब इसमें से एक बीटा निकलेगा तो ये बन जाएगा 93। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 93 है, -1 निकला है ना, तो एटॉमिक नंबर +1 ऐड होगा, बीटा निकलता है ना तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है, इसको हम वो बोलते हैं
नहीं नहीं रूल होता है, नाम भूल गया मैं उसका, सोडी फजान से कुछ नाम होता है। तो ये कहता है कि जब अल्फा निकलेगा तो एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर है वो दो यूनिट से क्या होगा, पीछे जाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, और जब बीटा निकलेगा तो एक यूनिट से आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 93 देखो किसके अंदर आ रहा है, एक्टिनॉइड्स में। तो एक्टिनॉइड्स आते हैं सेवेंथ पीरियड में, और उनका ग्रुप कितना होता है, 3। बोलो कर सकते हैं। अच्छा, एटॉमिक नंबर 51, ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर 5th। हाँ भाई देखो, अब ये हिंज पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये वाला याद रख लो, एक नोबल कैसे आप जानते हो, 2 और 8 10, 10 plus 8 18 plus 18 36 plus 18, और 54 plus 32 86। आपसे मैंने क्या बोला, 51 4 3 2 1, ग्रुप नंबर 15 और पीरियड नंबर 5। कर सकते हैं। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर पता है तो सिर्फ उसको देखकर आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर दोनों बता सकते हो। अच्छा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम सुना है? यस सर। जेड इफेक्टिव सभी जानते हैं? यस सर। किसी को डाउट है उसके अंदर, जेड इफेक्टिव क्या होता है क्या नहीं होता, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, है ना? तो मैं हल्का फुल्का आइडिया देता हूँ, जो लोग शर्मा रहे हो बोलने में उनके लिए, फिर उसका हम वेरिएशन भी देख लेंगे यहाँ पर। तो आप देखें, एक तो आपके पास टर्म होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होता है, आपके पास जब एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं अलग अलग, एक ये शेल है और एक ये शेल है। बताओ ये कौन सा शेल होता है, इनर शेल, और ये कौन सा शेल होगा, आउटर शेल। तो इसके इनर शेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके आउटर शेल में भी मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। बताओ अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो सारा अट्रैक्शन फोर्स इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम कर रहा होता। लेकिन ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, इस आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन लगा रहे होंगे। ठीक, यानी ये इलेक्ट्रॉन नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियस का सारा अट्रैक्शन फोर्स इसके ऊपर काम करे, या ऐसा बोल दो कि चाहते ही नहीं है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचे। तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, बताओ ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। एक बात समझ में आती है? चलिए, तो शील्डिंग सिर्फ अंदर वाले करते हैं, बाहर वाले नहीं करते। सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग करेंगे। अच्छा, ये सेम शेल वाले शील्डिंग करेंगे नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेगा या नहीं करेगा, करेगा। सेम शेल का भी शील्डिंग करता है और अंदर वाला शील्डिंग, बाहर वाला अंदर वाले की शील्डिंग नहीं कर सकता। एक चीज तो हमको ये पता होनी चाहिए। दूसरा, अब ये जो शील्डिंग करने की टेंडेंसी है, जो शील्डिंग पावर है इलेक्ट्रॉन की, वो किस पर डिपेंड करती है कि वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये पता है आप लोगों को? अगर हम सेम शेल की बात करें तो एस ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर क्या होती है, सबसे ज्यादा, और एफ की क्या होती है, सबसे कम। शील्डिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी, आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उतना ही कम काम करेगा, और शील्डिंग जितनी पुअर होगी, इसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा काम करेगा। ये बात सबको समझ में आती है? तो होता क्या है, जब आप, जैसे आप ये देखो, यहां पर कभी 4d8 5s1 हो गया, कभी 4d10 5s0 हो गया, कभी 5d9 6s, मजाक चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्यों, क्या लॉजिक है इसका, किसी को पता है? नहीं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा इफेक्ट है जो सिर्फ पीरियड 5 से पीरियड 6 के बीच में काम करता है। जब आप फिफ्थ से 6 पीरियड मूव करोगे और आपको किसी रीजन को, किसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना भी हम करेंगे भी आगे, वहां पर हम क्या काम में लेते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये बढ़िया चल रहा था, देखो 2 2 4 1 क्यों गया, यहाँ कौन सा हाफ फील्ड है, 4d4 है, ये 5s2 था, ये 5s1 है, ज्यादा स्टेबल था, 5s2 फुल फील्ड था। और बोलो क्यों हो रहा है ऐसा? हाँ, तो डी की पुअर शील्डिंग से क्या होगा, लॉजिक दो, डी की पुअर शील्डिंग क्या भाई, मान लो जे एडवांस में क्वेश्चन आ गया, लेफ्ट से राइट जाने पर उसके कारण क्या। चलिए, इस चीज को आप ध्यान रखना, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछ सकता है रीजनिंग के अंदर या स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर। क्या होता है,
जब आप 3D सीरीज यानी डी ब्लॉक के अंदर आप चल रहे हो तो होता क्या है, देखो ये कौन सा शेल है 4S और ये कौन सा है 3D। तो अगर आप न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में देखो तो 4S तो आउटर शेल होता है और 3D क्या होता है, इनर शेल होता है। इसमें क्या हो गया है, 4S तो पहले ही भर गया है, अब नया जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो किसके अंदर एंटर कर रहा है, इनर शेल के अंदर, बोलो कर रहा है। तो इनर शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ेगा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक और प्रोटॉन बढ़ा, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक और प्रोटॉन बढ़ा, तो बताओ क्या न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। अभी सिर्फ न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ा, अब वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा या फिर नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, इनर इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग। अगर शील्डिंग इफेक्टिव हुई तो बढ़ा हुआ चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा, और अगर शील्डिंग पुअर हुई तो बताओ डी की शील्डिंग पुअर होती है, इफेक्टिव पुअर है, तो जो जेड इफेक्टिव बढ़ा वो आउटर इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा। अगर इस पे काम करेगा तो इस शेल को अंदर की तरफ खींचेगा, तो 4S शिफ्ट होकर किसके पास में आ जाएगा, बताओ 3D 4S के बीच का गैप बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा तो 3D से 4S में जाना इलेक्ट्रॉन के लिए आसान होगा और 4S से 3D में आना भी क्या होगा, आसान। इसीलिए डी ब्लॉक के अंदर जो कॉन्फिगरेशन होते हैं वो रेगुलर, क्यों, क्योंकि वहां पर 3D और 4S के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो रिलेटिवली क्या हो चुका होता है, कम। तो ये रीजन आप जरूर लिख लेना, आपसे पूछ सकता है, आप इसमें डाल देना पॉइंट बना के कहीं पर भी, चाहे टेबल के बाद या कहीं भी लिख देना कि द रीजन फॉर इररेगुलर वेरिएशन या फॉर इररेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन D and F block elements is due to the small energy difference between N minus 1 D and NS electrons and N minus 2 F and NS फॉर एफ ऑर्बिट। इसलिए इनके ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन थोड़े इररेगुलर से होते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, उसका भी रीजन यही है, क्योंकि 4s और 3d इतने क्लोज हैं कि आपने मान लो यहाँ 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसके बाद आप 3d से भी इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर सकते हो। इसीलिए एमएन प्लस 2 से लेकर प्लस 7 तक की सारी स्टेट शो करता है। कोई डाउट है किसी को? चलिए तो एक पॉइंट तो आप ये कॉपी करें। तो हमने यहां से ये देखा शील्डिंग में कि अगर शील्डिंग पुअर है तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, और शील्डिंग इफेक्टिव है आउटर इलेक्ट्रॉन पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे बढ़े। मैं आपको स्लेटर्स रूल नहीं सिखा रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वो कैलकुलेट करना आता है, है ना, उसमें आपको कुछ भी नहीं होता, सिग्मा कैलकुलेट करना होता है। और एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं कैसे होता है ना, तो सिंपल सा हम वो देख लेते हैं। स्लेटर्स रूल ये कहता है कि आप कैसे किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जेड इफेक्टिव निकालते हो। फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा, यहाँ पर सिग्मा क्या होता है, स्लेटर्स कॉन्स्टेंट। स्लेटर्स कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि जिस इलेक्ट्रॉन पे आप सिग्मा या जेड इफेक्टिव निकाल रहे हो वो कहाँ प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखना, इसमें छोटी सी टेबल चलती है। इफ
इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनएस एंड एनपी ऑर्बिटल, देन सिग्मा इक्वल टू आप लेकर चलते हो 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एनएस एंड एनपी, सिग्मा आप लेकर चलते हो 0.85 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन माइनस वन शेल, और सिग्मा लेकर चलते हो आप 1 फॉर रेस्ट यानी एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड सो ऑन जो भी आता रहेगा। यह जब इलेक्ट्रॉन आपका एनएस और एनपी में प्रेजेंट है, टेबल थोड़ा सा आप देख लो, अभी क्वेश्चन करेंगे उसे समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एन डी और एन एफ, उस केस में हम क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0.35 फॉर ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन डी एंड एन एफ, और उसके बाद सिग्मा इक्वल टू बनेगा फॉर रेस्ट ऑल। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हो समझ में आ जाएगा आपको। हम लेते हैं, बात करते हैं कॉपर की, किसकी बात कर रहे हैं, या चलो कॉपर आपका ना, मैं जिंक की बात करता हूं। जिंक, मुझे जेड इफेक्टिव निकालना है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक और दूसरा 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक। ठीक है, तो जब भी आपको किसी का जेड इफेक्टिव निकालना है उसका पूरा कॉन्फिगरेशन लिखो। बताओ जिंक का पूरा कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, सही है। बता आउटर मोस्ट शेल कौन सा, फोर्थ, तो जो आउटर मोस्ट है उसको हम बोलेंगे n, तो ये हो गया ns। बताओ ये ns, तो ये सब क्या बन गया, n-1, ये क्या बन गया n-2 एंड सो ऑन, पहली बात। दूसरी बात, आपको जिंक के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। मान लो जैसे ये जिंक है तो 4s में दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों का जो सिग्मा होगा वो सेम आएगा, चाहे वो आप इसके लिए निकाल लो चाहे इसके लिए। अगर सेम शेल का इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। जैसे 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 के 10 का सिग्मा क्या होगा, सेम। किसी का भी निकाल लो, सबके लिए क्या आने वाला है, सेम। अच्छा मान लो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन का निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्या ये खुद खुद को शील्ड करेगा, खुद खुद को थोड़ा ना शील्ड करेगा, इसको कौन शील्ड करेंगे, दूसरे शील्ड करेंगे। तो पहली बात, इसके लिए काउंट कर रहा हूं ना, कॉन्फिगरेशन में इसको एक को कम करना पड़ेगा, क्योंकि खुद खुद को शील्ड, इसके ऊपर बाकी शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे होंगे। तो हमने क्या करना है, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको यहां से कम कर दो, तो अब जो हमारे पास कॉन्फिगरेशन बचेगा वो 4s1 बचेगा। अच्छा जिस पर आप सिग्मा निकाल रहे हो वो कहां प्रेजेंट है, एनएस में या एनडी में, एनएस। बताओ कौन सी टेबल लगेगी, ये वाली। तो जिसको निकाला उसको तो गायब कर दिया, उसको गायब करने के बाद एनएस में कोई और बचा, हाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो बताओ इस एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना होगा, 0.35 प्लस, अब क्या शुरू हो गया, n-1। बताओ n-1 में कितने हैं, 18 18 into, बताओ इसका सिग्मा कितना होगा, 0.85 प्लस बाकी सब के लिए कितना होगा, 1, तो 10 into 1। और इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप जिंक का जेड इफेक्टिव लगाओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30, तो 30-सिग्मा, कोई डाउट। अच्छा इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट में आपको 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो एक बार फिर से आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। अब आपको 3d इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो बताओ 3d के लिए तो आउटर बन गया, क्या आउटर इलेक्ट्रॉन इनर को शील्ड करेगा, तो ये गया भाड़ में, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब बताओ जिसकी शील्डिंग निकाल रहा हूं वो कहां प्रेजेंट है, डी में। तो कौन सी टेबल लगेगी आपके पास, सेकंड। अच्छा जिस पे निकालना है उसको कम करना पड़ेगा, तो यहां से एक को हटा दूं, बताओ इससे एक हटाने के बाद कितने बचे, 9। तो 9 के लिए तो कितना होगा, 0.35, ये एनडी हो गया ना, और इसके बाद तो जो कुछ बच गया सबके लिए कितना होने वाला है, 1। कितने बचे, 18। तो प्लस 18 into 1, यहां से आप जिंक के डी इलेक्ट्रॉन का सिग्मा निकाल सकते हो, बोलो कर सकते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कितना होगा, या कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव निकाल के बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव।
देखिए कॉपर की बात करें, बताओ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1, सही है? बताओ कौन सी टेबल लगेगी, फर्स्ट या सेकंड? सबसे पहले दिखना चाहिए जिस इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा निकाल रहे हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, एनएस में। ऑल दो हम इसको काउंट नहीं करेंगे लेकिन इसकी पोजीशन तो यहीं पे है। अब ये एनएस में प्रेजेंट है तो बताओ ये एनएस, तो ये सब क्या बन गया? n-1। और ये सब क्या बन गया? n-2। बोलो सही है क्या? अब इसके लिए सिग्मा निकालो तो बताओ एनएस में कितने इलेक्ट्रॉन? एक भी नहीं, वो अकेला खुद ही था। एन माइनस वन में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो 18 इंटू इनमें से लिए कितना हो जाएगा? 0.85। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, हो तो पूछ लेना। सही है सब? बस उसके बाद एन माइनस टू, तो 10 इलेक्ट्रॉन थे इंटू वन, ये वाली आएगी 25.3। तो यहां से आप जेड इफेक्टिव निकाल लो, कितना हो जाएगा? 30-25.3, दैट इज 29। तो ये कितना हो जाएगा? 3 points। कर सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा रूल है, स्लेटर्स रूल। तो आपको अगर बाय चांस क्वेश्चन मिल जाए तो आपको एक टेबल का आइडिया होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप सभी ने एटॉमिक रेडियस का नाम तो सुना ही होगा। तो अगर हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस से, एक्चुअली ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है, कोई मुझे आउटर मोस्ट शेल का मतलब समझा सकता है? थोड़ा और, अब तो आपने एटॉमिक एटॉमिक सब पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग वॉन्डिंग भी सब पढ़ा हुआ है, शेल का मतलब क्या होता है? शेल का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, वो रीजन जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो तो क्या होता है? ऑर्बिटल। और वो पूरा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक शेल। तो जहां तक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं वो डिस्टेंस अगर आप न्यूक्लियस से नाप लो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी एटॉमिक रेडियस। यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है आइसोलेटेड एटम, यानी ऐसी कंडीशन में जब एटम किसी के साथ कोई बॉन्ड, और वो पॉसिबल इस दुनिया में कोई भी एटम आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट, इसलिए हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन ऐसे करते हैं लेकिन कैलकुलेट ऐसे नहीं कर सकते हम मतलब हमारी इन, ये आप बोलोगे हम कैपेबल नहीं है काम करने के, इसलिए हम क्या करते हैं एटॉमिक रेडियस को एलिमेंट जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल जनरली कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो कोवेलेंटली बॉन्डेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए उनके लिए हम कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं? कोवेलेंट। मेटल्स कौन सी फॉर्म में होते हैं? मेटालिक बॉन्डेड फॉर्म में, तो उनके लिए मेटालिक रेडियस। नोबल गैसेस, हमें लगता है कि नोबल गैस अकेली एग्जिस्ट करती है, हीलियम नहीं, हीलियम एटम्स के बीच में क्या होते हैं? वेंडर वॉल फोर्सेस, तो उनके लिए हम कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं? वेंडर वॉल रेडियस। नाम तो सभी ने सुना हुआ है। चलिए तो मुझे बताओ इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी? नहीं, आयनिक रेडियस तो बाद में आएगी। सबसे बड़ी वेंडर वॉल, फिर मेटालिक, और सबसे छोटी कौन सी होती है? भाई देखो क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, तो मैं अब डेफिनेशंस तो नहीं लिखवा रहा हूँ, बस हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देता हूँ। दूसरी कौन सी होती है आपकी? मेटालिक रेडियस। और थर्ड कौन सी होती है आपकी? वेंडर वॉल रेडियस। तो वेंडर वॉल रेडियस जनरली हम किन के लिए डिफाइन करते हैं? नोबल गैसेस के लिए। मेटालिक रेडियस ऑब्वियसली नाम से तो लग रहा है मेटल एटम्स के लिए, और ये जनरली किसके लिए डिफाइंड होती है? नॉन मेटल्स के लिए। तो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग। क्या होती है? तो अभी देखो इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है। इस कंडीशन में दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस। क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक और बड़ा स्पेसिफिक टर्म होता है, नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, SBCR। सुना है कभी? नहीं। इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस। हाँ, इसको दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला, जब दोनों एटम्स कैसे हो? सेम टाइप के हो। कैसे हो? तो सेम टाइप के होंगे तो जो सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट रेडियस होती है वो सिंपल इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का क्या हो जाती है? हाफ।
मैं सब कुछ अब इंक्लूड करता हुआ चल रहा हूँ, समराइज करता हुआ चल रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास दो अलग अलग एटम्स हो जिनकी इलेक्ट्रॉनिटी सेम नहीं है, तो मान लो ये है ए और ये है बी, अब इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस निकालो आप, इसे हम बोलते हैं डी ए बी। क्या बोलेंगे? तो ये जो डी ए बी है इसको आप बॉन्ड लेंथ भी बोलते हो। क्या बोलते हो? तो बताओ ये डी ए बी किसके इक्वल होगी? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। समझ पा रहे हैं? ये मोड होता है इन दोनों का, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता जाएगा इनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? उतनी ही कम। ये बॉन्ड लेंथ निकालने के बाद जब आप इसे हाफ करोगे तब हम उसे इसकी क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियस। तो वो किसकी इक्वल होगी? डी ए बी बाय 2k। बोलो समझ में आता है? तो कोवेलेंट रेडियस दो अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। अगर वो सेम एटम से बॉन्डेड है तो उसकी कोवेलेंट रेडियस अलग आएगी, अगर वो किसी और एटम से बॉन्डेड है तो उसकी कोवेलेंट रेडियस क्या आएगी? अलग। मतलब H2 में H की कोवेलेंट रेडियस अलग होगी और HCl में H की कोवेलेंट रेडियस अलग। बोलो बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम बात करते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इसका एक मॉडल चलता है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सुना है? उसमें क्या होता है, एक मेटल है तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज एटम बनता है उसको हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल, है ना, आर्मी वाला कर्नल नहीं बोलते, कर्नल। हाँ, तो ये जो कर्नल होते हैं इन कर्नल्स के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दोनों तरफ से मेटल एटम्स को ऐसे बांध के रखते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का एक सी है और उसके अंदर क्या है, बीच बीच में कर्नल्स यानी मेटल के आयंस फंसे हुए हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं। तो जो काम की बात है, मेटालिक रेडियस में जो मेटालिक बॉन्ड बनता है इसमें जो ओवरलैपिंग होती है उसका एक्सटेंट बहुत कम होता है। देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग तो होगी होगी, है ना, तो एक्सटेंट थोड़ा कम होता है। अब इस कंडीशन में इनके बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे हम लोग कौन सी रेडियस बोल देंगे? मेटालिक रेडियस। आपको दिख रहा है दोनों में से छोटी कौन होगी? यहाँ न्यूक्लियस ज्यादा पास है, यहाँ रिलेटिव ज्यादा दूर है। वेंडरवॉल, वेंडरवॉल रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। कौन से एटम्स? नेबरिंग एटम्स इन नॉन बॉन्डेड कंडीशन, दोनों में किसी तरह का बॉन्ड फॉर्म, इन सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट? तब जाकर आप उसकी वैंडरवॉल रेडियस कैलकुलेट करते हो। जैसे हीलियम, तो हीलियम को हम क्या करेंगे, जब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड स्टेट में हीलियम के एटम्स बहुत क्लोज हो चुके होंगे एक दूसरे के, लेकिन वो बॉन्डेड कंडीशन में। जैसे ये हीलियम है, ये हीलियम है, ये दोनों एटम कौन सी कंडीशन में है? नॉन बॉन्डेड कंडीशन में। तो बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का अब जब हम हाफ कर देंगे तो उसे हम कौन सी रेडियस बोलेंगे? वैंडरवॉल रेडियस। तो बताओ सबसे बड़ी कौन सी होगी? वैंडरवॉल, फिर कौन सी होगी? मेटालिक, और सबसे छोटी कौन सी होगी? कोवेलेंट। इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही अभी आया दिमाग में तो आपसे पूछ लेता हूं, वैसे तो आप विजुलाइज कर लोगे बड़ी आसानी से। ये मेरे पास एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये एक और क्लोरीन का मॉलिक्यूल है और ये दोनों एटम्स प्रेजेंट है यहां पर। एक आपके पास ये डिस्टेंस है एक्स, या छोड़ ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, एक ये डिस्टेंस है एक्स, दूसरी ये डिस्टेंस है वाई, और तीसरी आपके पास ये डिस्टेंस है जेड। ठीक, बताओ इनमें से कौन सी कोवेलेंट रेडियस, मतलब कौन सी वैल्यू आपको, या कोवेलेंट रेडियस और वैन डर वाल रेडियस की वैल्यूज बताओ। बहुत सिंपल है, वैसे तो कुछ भी नहीं इसमें, एक्स और वाई कोवेलेंट रेडियस है, सही है, और वाई कौन सी, सॉरी जेड कौन सी रेडियस है? गलत है,
x by 2 और y by 2 covalent radius है और z by 2 van der Waal radius है, ठीक है। हाँ, क्लोरीन के लिए van der Waal कहाँ से आ गई? किसी के लिए भी आ सकते हैं, इसके बीच में van der Waal फोर्स काम करें। आप समझें, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है। अच्छा, तो x और y की वैल्यू सेम होगी या नहीं? सेम ही होगी, ये भी सी एल टू है, ये भी सी एल टू है, सेम ही आएगी। तो अभी आप देखो, ये सी एल टू के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, मैंने बोला है तो अगर सॉलिड स्टेट मान के चलेंगे तो दो नेबरिंग एटम्स हैं, बता इनके बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है क्या? तो ये कौन सी कंडीशन में है? नॉन बॉन्डेड। इस कंडीशन में इनके बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो तो आपको कौन सी रेडियस दे देगा? वैन डर वाल रेडियस। तो ये हो जाएगी वैन डर वाल रेडियस ऑफ क्लोरीन, कितनी? z by 2। और बताओ ये क्या हो जाएगी? कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन, जो कितनी हो जाएगी? x by 2 या फिर y by 2। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। वैन डर वाल रेडियस आप एक नॉन मेटालिक एलिमेंट के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत। फिर एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन है, तो आप सभी जानते हो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस घटता है और टॉप टू बॉटम चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्यों घटता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। चलिए, तो अब हम चलते हैं थोड़े डिफरेंट वेरिएशंस जो आप लोगों ने शायद सीखे हुए भी होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक बार फिर सोच लें। नहीं, एक जना बोलो, कोई समझाए ढंग से। ये मत बोलो टेंथ ग्रुप को छोड़, टेंथ ग्रुप को क्यों छोड़ दूं? एक एक सेकंड, पार्शली डी ऑर्बिटल बस। हाँ, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, उसके आगे भी कुछ होता है, मतलब वही क्रूशियल पॉइंट है, इसलिए पूछ रहा नहीं पूछता। कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं? हाँ, वो तो वही तो मेन पॉइंट है, की पॉइंट तो वही है। इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए अपनी ग्राउंड स्टेट में या फिर अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे जिंक, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन क्या होता है? 3d10 4s, और जिंक की एक ही स्टेट होती है प्लस टू में 3d10। कंप्लीटली फिल्ड है मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन वहीं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन क्या होता है? 3d10 4s1। तो कॉपर की दो कॉमन स्टेट होती है +1 और +2। +1 में तो फुल फिल्ड रहेगा, लेकिन +2 में क्या होगा? 3d9 में आ जाएगा, सही है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो हम अब बात करते हैं 3D सीरीज में, 4D सीरीज में, 5D सीरीज। तो आप देखो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर से वेरिएशन पता है? लेफ्ट टू राइट चलने पर पहले एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। सीरीज के बीच में क्या रहती है? ऑलमोस्ट सेम। और लास्ट में क्या होती है? बढ़ती। क्यों? भाई देखें, बहुत सिंपल है, अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते होते तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, उसका इंपैक्ट मेनली आएगा मेल्टिंग पॉइंट पर। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा। जैसे 3D सीरीज में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, इधर क्रोमियम का बहुत हाई होता है, किसके पास मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ मेनली क्या होता है, जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन, वो भी सही है, फिर वो कोऑर्डिनेशन नंबर का भी खेल आता है, उसके अंदर और भी चीज़ें आती है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक रीजनिंग होता है आपके पास, भाई 4s तो पूरा भरा हुआ है, बताओ यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आया 3D में, फिर यहाँ पे आया दूसरा, फिर यहाँ पे आया तीसरा, तो बताओ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ा। लेकिन वो आउट इलेक्ट्रॉन पे काम करेगा या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? 3D, बताओ 3D की शील्डिंग पावर, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो शुरुआत में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन के ऊपर क्या करता है? डोमिनेट, जिसकी वजह से साइज क्या होती है? डिक्रीज। जब आप सीरीज के, अब ये MN जो मैंने छोड़ा है ना,
एक्चुअली एमएन की साइज जैसे हम बोलें डिक्रीज होती है, लेकिन एमएन की साइज क्रोमियम से क्या होती है ज्यादा, ये आपको डेटा वाइज देखना पड़ता है। तो इसलिए मैं बीच में छोड़ रहा था, क्योंकि आइडिया है कि यहां से यहां डिक्रीज होती है, लेकिन क्रोमियम से एमएन क्या होती है वापस से बढ़ती है। फिर उसके बाद यहां से यहां तक क्या रहती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो यहां से यहां सेम क्यों है, अब देखो 5, 6, 7, 8, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्निफिकेंट हो चुका है, तो रिपल्शन भी क्या हो चुका होगा। तो यहां पर रिपल्शन और जेड इफेक्टिव एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बैलेंस, और यहां पर रिपल्शन ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो फुलफिल हो चुका है डी। जब एक सबशेल पूरा भर चुका होता है तो अपनी मैक्सिमम शील्डिंग पर काम करता है, किस पर काम करता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट चलने पर पहले डिक्रीज, फिर कांस्टेंट, और लास्ट में क्या होती है, इंक्रीज। पूरी सीरीज में यही चलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वेरिएशन है जब आप डाउन द ग्रुप चलते हो। तो देखो ये कौन सी सीरीज होती है, 3D सीरीज। ये कौन सा पीरियड होता है पीरियड टेबल का, फोर्थ पीरियड। फिर आपके पास कौन सी सीरीज आएगी, 4D सीरीज। ये कौन सा पीरियड होता है, फिफ्थ पीरियड। और ऐसे आपके पास आएगी 5D सीरीज। बताओ ये कौन सा पीरियड होता है, सिक्स्थ पीरियड। देखो मैं इसमें टाइम इसे ज्यादा दे रहा हूं कि कई लॉजिक्स आप इन्हीं से एक्सप्लेन करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान रखें। तो जब आप 3D से 4D चलते हो, 4th से 5th पीरियड, तो साइज आपके पास क्या होता है, बढ़ता है। रीजन सेम, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल, ठीक। लेकिन जब आप 4D से 5D मूव करते हो तो आप देखें आफ्टर ग्रुप 3, ग्रुप 3 के बाद है ना क्या आते हैं, देयर एग्जिस्ट 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, एक्टिनॉइड्स तो 5th से 6th पीरियड में आएंगे, 6th से 7th में आएंगे, ठीक है। अब ना आप इसको अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मत बोलना थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ वो बोलना, वो आपको याद रह जाएगी फिर जिंदगी भर के लिए, इसलिए ठीक है। तो 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स है, बताओ इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन N-2F सबशेल, सही है। बताओ F की शील्डिंग पावर कैसी होती है, सो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, बताओ Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। और बताओ Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी, कम। अब यहां पर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, 4D से 5D जाने पर एक नया शेल ऐड हो रहा है, उसकी वजह से साइज क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह साइज क्या होनी चाहिए, कम। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, इसलिए यहां पर क्या होती है, देयरफॉर साइज ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। तो आप में से कोई लकी रहा हो जिसकी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हो, शायद 7 तारीख की पहली या दूसरी शिफ्ट में था कि हाँ कॉपर, मतलब ये भी नहीं था, से था कि इनमें से किसकी साइज सिल्वर के, या सिल्वर की साइज किसके क्लोजेस्ट है। तो इनको हम कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। तो कॉपर से सिल्वर साइज बढ़ेगा और सिल्वर से गोल्ड साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम। रीजन, F इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता। इसका प्रोमिनेंट इफेक्ट आपको आयनाइजेशन एनर्जी में मिलेगा एज कंपेयर टू साइज। साइज में बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं दिखता, पर आयनाइजेशन एनर्जी में डोमिनेट करता है और उसकी वजह से आपके पास डिफरेंट बिहेवियर्स आते हैं। तो अगर आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक टर्म होता है साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, में कंप्लीट कर दो फिर आप कॉपी कर लेना। ये तो हो गया होगा ना आप लोगों का कॉपी, चलो ये दौड़ा दूं। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज तो आप सभी जानते हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जो है वो साइज किस पर डिपेंड करती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज कम होती जाएगी, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज, जैसे हम बात करें Al3+, Mg2+, Na+, आपके पास जाएगा F-, O2-, N3-। और ऐसा क्यों होता है, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो P/E रेशियो बढ़ता है, क्या बढ़ता है, प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन्स का रेशियो। भाई देखो जैसे मैं एग्जांपल ले लूं Na का ही, या Mg का ले लेते हैं, Na का ले लेते हैं। बताओ Na के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे, 11,
और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने थे 11। अभी 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं। जैसे आपने Na से Na प्लस बनाया, बताओ न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 11 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, बताओ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। तो साइज क्या होगा? कम। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में साइज पॉजिटिव चार्ज के साथ कम होती है और नेगेटिव चार्ज के साथ बढ़ती है। एक लास्ट वेरिएशन जो आप लोगों को याद रखना चाहिए और उसके लिए मेरे पास जगह है यहाँ पर, आई होप आप में से कई लोगों को याद होगा। अगर मैं साइज कंपेयर करूं एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस एंड एच माइनस, ऑर्डर सबसे बड़ा लाहौल जिला, दो दो ऑप्शन, एक सेकंड, पहले आई माइनस वाले आ जाओ भाई, हाँ फिर एच माइनस, मृत्यु दंड मिल गया उसको। हाँ भाई कोई कुछ बदलना चाहेगा? एच माइनस बी आर के बाद आएगा, आप बोल रहे हो सबसे पहले आएगा, चलिए भाई ऑप्शन नंबर टू, हाँ एच माइनस के बाद फिर नॉर्मल आई बी आर सी एल एफ, उधर से एक आवाज आई है आई माइनस बी आर माइनस एच माइनस सी एल माइनस एफ, यही बोल रहे हो आप? क्या देखिए, मैं आपसे इसमें लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बस ये वेरिएशन आपको याद होना चाहिए, मैं भी ये बोलूँगा याद होना चाहिए, लॉजिक में बता देता हूँ क्या होता है, बट ये डेटा बेस्ड है और ये पूछ सकता है डायरेक्टली आपसे, ध्यान रखना ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। ठीक, एच माइनस का साइज आई माइनस से छोटा होता है लेकिन बाकी सारे हैलाइड आयन से क्या हो जाता है वो बड़ा, इसका होता है 208 पिकोमीटर अगर डेटा गेम बात करें तो। बट आप देखें क्यों होता है ऐसा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन था और बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, जब हाइड्रोजन से एच माइनस बना तो न्यूक्लियस में तो एक ही प्रोटॉन रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? दो। तो बताओ यहां इसका पी बाई ई रेशियो कितना था? वन। और यहां इसका पी बाई ई रेशियो हो चुका है आधा, सीधा 50% से डाउन हो गया। बताओ अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या जाएंगे? दूर। उससे साइज में क्या होता है? एब्रप्ट इंक्रीज होता है। वहीं अगर आप एफ माइनस आई माइनस इनको देखो तो फ्लोरीन, बताओ फ्लोरीन के अंदर पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स, और जब एफ माइनस बना तो 9 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहां पी बाई ई रेशियो कितना था? 1। और यहां पी बाई ई रेशियो हो गया 0.9, 9/10, 10% का डिक्रीज आया, जबकि यहां कितने का डिक्रीज आया? 50% का। तो यहां पर साइज में इंक्रीज क्या होता है? ज्यादा। खैर आप ये ऑर्डर याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, कोई डाउट है किसी को? चलिए एक बार कॉपी करें फिर कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, शीट है ना सबके पास? हाँ, एक्वस मीडियम की भी बात करेंगे, अभी हाइड्रेशन पढ़ेंगे ना तब बात करेंगे, फटाफट से कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन करते हैं शीट से और फिर आगे बढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ और बाकी टर्म्स की तरफ। जेड इफेक्टिव नहीं घटता, जेड इफेक्टिव क्यों घटेगा? पी बाई ई रेशियो कम हुआ है सिर्फ। भाई देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा बस, तो वो अट्रैक्शन कम हुआ है ना, अट्रैक्शन कम क्यों हुआ है? क्योंकि एक प्रोटॉन अब दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो ये एक्चुअली आप ऐसे थोड़ी बता देते हो 50% बढ़ गया तो साइज कितने परसेंट बढ़ेगी, ये ऑर्डर है, अब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो सिर्फ उससे, समझ पा रहे हो ना? आप कैसे बोल सकते हो कि वो 50, चलो मान लो 100% बढ़ गया आपके हिसाब से तो y माइनस से बड़ा हो जाएगा, तो बोलने का बेस नहीं अपने पास, कोई क्वांटिटेटिव रिलेशन थोड़ी ना कि 10% बढ़ेगा तो इतनी रेडियस बढ़ जाएगी, 20% बढ़ेगा तो इतनी बढ़ जाएगी, ये ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है, ऐसा होता है। अब हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हुआ होगा, जिसको आप हिंदी में एक्सेप्शन बोलते हो है ना, मतलब एक्सेप्शनल ऑर्डर है बट वो डिफरेंट बिहेवियर है, बाकी सब ठीक है, पर एच माइनस तीनों को एक्सीड कर जाता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा। Thank you.
लिखो भाई जल्दी, हो गया तो शीट खोलें, क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करें एक बार। नहीं मिले आपको? अभी तो पड़ोसी से काम चला। भाई आपको अपनी इनऑर्गेनिक अगर ठीक करनी है तो अपना क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका बदलें। अभी तक आप इनऑर्गेनिक क्वेश्चन ऐसे करते थे, बी सी, अच्छा हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन डी, अच्छा सी, ओ अच्छा हाँ ऐसे हो गया होगा, ठीक है। तो आप जब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करें तो एक स्लॉट बना लें 10 से 15 क्वेश्चन का। पहले उन 10 से 15 क्वेश्चंस को अपने लॉजिक के साथ टिक कर लें, उसके बाद एक साथ सबके आंसर देखें। अगर आप लगातार आंसर देखते रहोगे तो आपको कुछ भी यहीं आने वाला है। जैसे आप मैथ्स में लॉजिक लगाते हो, जैसे आप फिजिक्स में लगाते हो, वैसे कोशिश करो जो आपने सीखा है उसको पेपर पे अप्लाई करने की। उसके बाद ही अपने आंसर्स देखें और उनको टिक करें, ठीक है ना। आदत बदल दो वरना फिर से वही प्रॉब्लम आने वाली है आप लोगों को। हाँ भाई पढ़ लिया क्वेश्चन? ये मैंने आपको कवर नहीं करवाया, बट देखो आप ध्यान से एक बार। एटॉमिक रेडियस वेरिएशन ऑफ एन अननोन ग्रुप आपको दिया हुआ है इन द पीरियडिक टेबल। डी क्यों दिख रहा है आपको? भाई एक वेरिएशन होता है इसी के अंदर, बोरोन एल्युमिनियम। अभी आपको आयन एनर्जी पढ़ाने वाला था। ये सिर्फ 13 ग्रुप में ही काम करता है। एल्युमिनियम ये है आपके पास थर्ड पीरियड का एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका होता है 31। ये आपका आ गया फोर्थ पीरियड का। इन दोनों के बीच में क्या आते हैं? 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है? N-1 डी में। बताओ डी की शील्डिंग पावर कैसी होती है? बताओ शील्डिंग पुअर होगी तो, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगी? कम। लेकिन नया शेल ऐड हो रहा है तो साइज बढ़नी चाहिए। दोनों का बैलेंस होगा, साइज अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी? इससे बोलो कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 5। ए ए आसान है? किसी को डाउट है फिफ्थ में? फोर्थ में पॉजिटिव चार्ज कम होना। देखो फोर्थ में एक सीखने की चीज भी है, मर्क्यूरस आयन जानते हो आप लोग? मर्क्यूरस, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। भाई मर्क्यूरिक तो सभी को पता है Hg2+ होता है। जो मर्क्यूरस होता है Hg+, लेकिन वो कभी भी Hg+ की फॉर्म में एग्जिस्ट वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Hg2+। तो यहां पर क्या होता है, दो Hg+ आयंस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो इनका जो, जैसे आप सिर्फ Hg+ देखोगे ना, सिर्फ Hg+, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी अगर मर्क्यूरस आयन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता तो वो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? लेकिन एक्चुअली जब आप एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि Hg मर्क्यूरस आयन जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? इसीलिए वो क्या होता है, एक्चुअली वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो इस डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आप देखो Hg2+ ये एक सिंगल एटम है, ये एक पूरा, ये मान लो एक मॉलिक्यूल है। तो आप मॉलिक्यूलर साइज कंपेयर कर सकते हो एटॉमिक साइज से, कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, कर सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्यों पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कहीं एक जगह क्रोमियम +3 में है, एक जगह +2 में है और एक जगह +6 में है। तो क्रोमियम पे +6 चार्ज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? सबसे ज्यादा। और साइज क्या होगा? सबसे कम। बोलो कर सकते हैं? चलिए इसके बाद हम चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर।
तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आप सभी जानते हो, मुझे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड करती है? तो भाई एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी आर। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी इस पर भी डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से निकल रहा है। न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? एस। फिर कौन होता है? पी। फिर होता है डी। एजीमथल क्वांटम नंबर जानते हो? एल। तो जैसे जैसे एल की वैल्यू बढ़ती है, ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। एस के लिए एल कितना होता है? 0, 1, 2, 3। तो अगर आपको यह है, एक तो पहली बात सेम शेल के लिए, और ये आप तब लगाते हो जब दिन दो एलिमेंट्स को आप कंपेयर कर रहे हो उनमें एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। मतलब दोनों के बीच में जो आप दो एलिमेंट कंपेयर कर रहे हो उसका एटॉमिक नंबर या तो एक ज्यादा होना चाहिए या फिर एक क्या होना चाहिए? कम। तो अगर इलेक्ट्रॉन एस से निकालोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, और पी से निकालोगे तो रिलेटिवली कम। जैसे आप कंपेयर करो जिंक और गैलियम, बताओ जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 3d10 4s, और गैलियम क्या होगा? 4s2 4p1। बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? जिंक, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन 4s से निकालना पड़ रहा है और यहां इलेक्ट्रॉन 4p से। कर सकते हैं, फुली फिल्ड से भी बोल सकते हो और इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। फोर्थ, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो जहां पर भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन होंगे उनके आयनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होगी? ज्यादा। जैसे आप मूव करते हो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन लिथियम से और बोरोन से दोनों से ज्यादा होती है। इसमें आप दोनों कंसेप्ट लगा सकते हो, बेरिलियम क्या होगा? 2s2, ये होगा 1s2, और ये क्या होगा? 2s2 2p1। तो या तो आप स्टेबिलिटी ऑफ फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन बोल लो, या बेटर है आप ये कंसेप्ट लगाओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? एस से। यहाँ किससे निकल रहा है? पी से। इसके बाद एटॉमिक नंबर बढ़ गया, गैप आ गया, तो कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बेरिलियम से ज्यादा ही होती है। तो ये बन गया 2s2 2p2, यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन 2p3, तो नाइट्रोजन के अपने दोनों पड़ोसियों से क्या होगी? ज्यादा। फिर फ्लोरीन की इससे ज्यादा, और नियॉन की क्या होगी? सबसे ज्यादा। बोलो, कर सकते हैं। तो एक ये वेरिएशन जो आपको बता दूं, ये वेरिएशन सिर्फ थर्ड पीरियड तक चलता है। कहाँ तक चलता है? फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स आयनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली क्या होती है? डिक्रीज ही होती है। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं, आपसे पूछेगा तो सेकंड थर्ड ही पूछेगा, एक तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं, टर्म सीखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। जानते हैं? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती हैं? जब आप एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन्स लाइन से निकाल दिया, उसे ए से गया एक इलेक्ट्रॉन, तो ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? IE1। फिर ए प्लस गैस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्या बनाएगा? A2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे? IE2। और फिर A2 प्लस गैस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? IE3। और IE1, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है सक्सेसिव, ये हमेशा ऑर्डर में क्या होती है? बढ़ती है। मतलब सबसे छोटा कौन होगा? IE1। फिर IE2। और सबसे बड़ा IE3। इनमें कोई फैक्टर काम नहीं। यहाँ पर क्या होता है? सिंपल P/E रेशियो बढ़ता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मान लो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब बताओ 10 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 9। पता, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? तो अगला इलेक्ट्रॉन निकालने में मेहनत क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा। 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन और बढ़ गया। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकालो, 10 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन निकालने मेहनत क्या करनी पड़ेगी? और भी ज्यादा। तो कोई स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं, कुछ नहीं, सक्सेसिव आयनाइजेशन चीज हमेशा क्या होती है? बढ़ती है। जैसे हम कंपेयर करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, पहले हम इनका IE1 कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड, रुक जाओ, N और N प्लस, O और O प्लस। ठीक है, N से N प्लस बनाया, N प्लस से N2 प्लस बनाया, O प्लस से O2 प्लस बनाया। ठीक है, इसको बोला X, इसको बोला Y, इसको बोला Z, इसको बोला W। ठीक है, हाँ भाई, सब में अलग अलग रिलेशन बताओ, X और Y में क्या रिलेशन होगा? X Z में, Y W greater than Z, W greater than Z,
X greater than W greater than Y. Y greater than W. Wrong. W greater than Y. अब आप देखो तो मैं तो लिख रहा हूँ जो बोलते जा रहे हो आप. इसे होना ही है कन्फ्यूजन तो वहां पे भी होगा. क्वेश्चन आसान ही आएगा. देखो मैं आपसे सिंपल ये पूछ लेता ना, आई वन आई टू कंपेयर करो तो आप फटाफट आंसर देते. मैंने कुछ नहीं किया, एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिखा, आप रिलेशन बता दे दो. हाँ कुछ बोल रहे हो. जेड ग्रेटर देन एक्स. मैंने कुछ सही गलत बोला ही नहीं. मैं तो आप जो बोलो लिखता जा रहा हूँ. और किसी को कुछ बोलना है? बीच का चार सही है ये. 1 2 3 4. चलिए भाई देखे, पहले तो ये तो सबको दिख रहा है सक्सेसिव एनर्जी एनर्जी है. ये आईई वन है और ये आईई टू है. तो चाहे कुछ भी हो जाए, आई टू तो हमेशा आई वन से बड़ी ही होगी. कुछ सोचना ही नहीं. सेम एलिमेंट की कंपेयर कर रहे हैं. सेम एलिमेंट ये दोनों भी है तो डब्ल्यू भी क्या होगा? जेड से बड़ा. अब आ जाते हैं इस पर. ये है आई वन ऑफ नाइट्रोजन और ये है आई वन ऑफ ऑक्सीजन. बताओ नाइट्रोजन का कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3 2s2 2p4. हाफ फील्ड है. तो नाइट्रोजन का आई वन क्या होगा? ऑक्सीजन के आई टू से ज्यादा. That means ये सही था. अब ये गलत है. हाँ ये सही होगा. अब एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये तो क्या बचा? 2s2 2p2 और ये बन गया 2s2 2p3. अब भैया ये हाफ फील्ड है. तो ये वही नॉर्मल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, बट उसको पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया अपन. कोई डाउट किसी को? चलिए बहुत ही बढ़िया. तो बेसिकली ये तो आपके पास वेरिएशन है नॉर्मल जो आपको पता होने चाहिए. आओ चलते हैं कुछ डिफरेंट बिहेवियर्स के ऊपर और उनको सीखते हैं. अब आपके पास फिर से चीज़ें काम में आएंगी जो आपने सीखी थी. तो पहला हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में या डी ब्लॉक में. वेरिएशन इन डी ब्लॉक तो मेन है वही 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. 3D सीरीज से 4D सीरीज बताओ आयनाइज एनर्जी क्या होती है? डिक्रीजेस. डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज बढ़ेगा, आयनाइज एनर्जी क्या होगी? कम. लेकिन 4D से 5D आयनाइज एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है. क्या होती है? बढ़ती है. क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स. Z इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता. तो साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है लेकिन Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? बढ़ गया. तो आपसे कभी भी 5th से 6th पीरियड एलिमेंट के आयनाइज एनर्जीज कंपेयर करवा ले, उसका एक ही लॉजिक है क्या? पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन ध्यान दें इसमें एक लोचा है. मतलब ऑर्डर क्या होगा? 3D से 4D आयनाइज एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, कम होगी. और फिर 4D से 5D क्या होगी? बढ़ेगी. यानी जो ऑर्डर होगा 4D सबसे कम, फिर 3D और फिर सबसे ज्यादा कौन होगा? 5D. रीजन यही है इसका. लेकिन ये ध्यान रखना एक्सेप्ट कैंडियम ग्रुप 3, 4, 5, 6. तीन से लेकर 6 ग्रुप तक ये इफेक्ट काम नहीं करता है. मतलब ये कहां से काम करना शुरू करेगा? 7th ग्रुप से. समझ पा रहे हो? ये जनरल ट्रेंड है इसमें. लेकिन 3 से 6 तक ये काम. भाई 3 में तो आएगा नहीं स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम, क्योंकि वहां तो लेंथेनॉइड आया ही नहीं. लेंथेनॉइड तो उसके. तो अगर हम स्कैंडियम वाले ग्रुप का देखें तो वहां रेगुलर डिक्रीज होगी, यानी स्कैंडियम की सबसे ज्यादा, फिर यट्रियम और लेंथेनम की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम. लेकिन सेम आगे तक फॉलो करेगा टाइटेनियम में भी, वेनेडियम में भी और क्रोमियम में भी. उसके बाद सब में क्या ऑर्डर होगा? ये तो जनरली वो फोकस करता है कॉइनेज मेटल्स पे. कौन सी मेटल्स पे? कॉइनेज मेटल्स कौन कौन होती हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गोल्ड. फिर कौन होगा? कॉपर. और सबसे कम कौन होगा? सिल्वर. कर सकते हैं. इसके बाद हम चल रहे हैं वेरिएशन इन पी ब्लॉक. तो पी ब्लॉक में आपकी दो फैमिलीज हैं, एक बोरोन फैमिली और एक. वहीं तक ये काम करेगा क्योंकि उसके बाद तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाते हैं तो उस पर फिर वो काम. तो आप देखें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. यहाँ पे आप देखें एल्यूमिनियम से गैलियम,
गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी इज स्लाइटली ग्रेटर देन एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी. रीजन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन या फिर जो आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हो, अभी पढ़ाया था मैंने थोड़ी देर पहले, है ना. यहां से यहां 10 डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं. लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एन माइनस वन डी. जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज क्या होती है? कम. आयनाइजेशन एनर्जी साइज कम नहीं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी. इंडियम टू थैलियम, तो फिर से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम इंडियम से क्या होती है? ज्यादा. रीजन, अब आप इसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे सकते हो क्योंकि आप रीजन सीख चुके हो. पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है. तो अगर हम यहां पर देखें एक्चुअल ऑर्डर क्या बनता है, बोरोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और सबसे लास्ट में कौन होता है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है. तो इसको आप जरूर याद रखें आयनाइजेशन एनर्जी वाले पार्ट में. सेम इसी तरह जब हम कार्बन फैमिली के अंदर चलते हैं तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, लेकिन लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से क्या होती है? ज्यादा. रीजन सेम है, पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होती है. कर सकते हैं. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और एक ये 3, 4, 5, 6 में काम नहीं करता है, बाकी सब जगह पर ये काम करता है. कोई डाउट है किसी को? चलिए बहुत ही बढ़िया. तो मुझे आपको एक क्वेश्चन करवाना है सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर, फिर हम बढ़ते हैं आगे. बोलो. ठीक है, चलिए लिखें क्वेश्चन. कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जीज. फर्स्ट है सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. सेकंड है क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन. Zn, Zn प्लस, Cu, Cu प्लस. चलिए इन तीनों के आंसर्स बता दीजिए आप बस. सबसे ज्यादा फिर सही है. क्यों? ये तो उड़ा दूं. चलिए यही देख लेते हैं भाई. ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और सल्फर के बाद क्लोरीन, ये दोनों सेम पीरियड के, दोनों सेम पीरियड के. लेफ्ट राइट चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है. फ्लोरीन की क्लोरीन से ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की सल्फर से ज्यादा होगी. तो लगा लो हिसाब, FOCLS. हाँ भाई, सेकंड सबसे ज्यादा फिर टंगस्टन, फिर नहीं क्रोमियम, मॉलिब्डेनम. ग्रुप 3, 4, 5, 6 में रूल फॉलो नहीं होगा. तो ये कौन से ग्रुप का है? फोर्थ, सिक्स्थ ग्रुप का है ना. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम. तो उसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं. सबसे ज्यादा Cu प्लस. चलिए देखें, देखो जब तक आप लिख के नहीं करोगे तब तक आंसर सही नहीं मिलेंगे. मैं समझ सकता हूं इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करना, व्हाट इज दिस, है ना. हाँ, लेकिन वो जरूरी है. कॉपर, जिंक, Cu प्लस और Zn प्लस. भाई ये तो पक्का है भाई, जिंक से जिंक प्लस बनाओगे Ie1 और Zn प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी नहीं Ie2. तो ये तो पक्का है कि Zn प्लस की जिंक से और Cu प्लस की Cu से ज्यादा हो. जिंक का कौन सा होता है? 3d10 4s2.
ये बनेगा 3D10 4S1, ये क्या बनेगा 3D10 और ये बनेगा 3D10 4S1 फुलफिल्ड, CU प्लस ज्यादा होगा इन दोनों में, तो आप निकाल लो ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे ज्यादा CU प्लस, फिर ZN प्लस, फिर ZN और सबसे कम CU, कर सकते हैं? हाँ भाई शीट में है क्वेश्चन नंबर 10। क्यों तो वह एल आई एल आई प्लस के लिए नहीं हो सकता? अच्छा बड़ी और छोटी वाली दी है, तो एच प्लस और एच के लिए, एच प्लस में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा, डी ऑप्शन क्यों? चलिए खैर ये ऑप्शन से आपको दिख गया, मेरे को ऑप्शन मतलब इसमें ऑप्शन बी भी एल आई प्लस एंड एल आई लिखना चाहिए था, फिर आपको थोड़ा और कंफ्यूजन होता। अच्छा मान लो चलो बी ऑप्शन होता एल आई प्लस एंड एल आई, क्यों एक ये क्या है आंसर पता है तो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो भी हाँ एक सेकंड बी ऑप्शन ये होता, हाँ आप बताओ फर्स्ट दो एलिमेंट्स का ज्यादा होता है तो, पर आप वैल्यू थोड़ी बोल सकते हो, 54.4 ही क्यों बोला, लॉजिक है इसलिए बोला हूँ आप, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे आगे क्वेश्चन आएगा तो, अभी आप सही हो गए इसलिए आप बोल रहे हो। ग्राउंड स्टेट से इनफिनिटी तक 54.4 होता है ना, किसका होता है, हीलियम, कैसे निकाला सर, फिजिक्स में पढ़ा था। सही है, बिल्कुल सही है, हाँ तो सही में सही है, बोर्स मॉडल, यस, HE प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी के लिए आयनाइज एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 Z2, n तो 1 हो गया ना, हाइड्रोजन लाइक स्पीसी है, n तो क्या हो गया 1, रखो वैल्यू 13.6 इनटू z की वैल्यू 2, HE प्लस का कितना आ गया 54. तो क्योंकि Li तो देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं, Li प्लस तो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, डिफरेंस नहीं देख सकते ना वो, तो ये ऑप्शन अभी ऑप्शन ये हो जाता तो देख लो डिफरेंस। नहीं सर जैसा HE प्लस और HE का कॉन्फिगरेशन माइनस 2 रहता तो उसके बाद और HE प्लस वो दोनों में कैसे पता आपको, ज्यादा नहीं होता ये क्या है, कुछ भी। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, हो गया बताओ आंसर, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करें फटाफट से, हाँ 12th का बॉम्बे, आई वन और आई थ्री के बीच में आएगी आई टू, क्वेश्चन नंबर 19, हाँ 10th का डी, आराम से दीवार टूट जाएगी उधर वाली। जल्दी करें भाई समय खत्म हो रहा है, पेपर में ही डिसाइड करना तो मुश्किल होता है, डी और सी में से कौन सा है, एक तो है डी और सी में से माइनस एक भी है, थोड़ा तो रैम खा लो, सर हो गया, सर सही हो गया,
आंसर आपके पास है, चेक कर लो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस लिखने में आपको थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा है। ये कह रहा है M गैस से M प्लस गैस से M2 प्लस गैस, M से M प्लस से M2 प्लस और M प्लस से M3 प्लस। वो कह रहा है डेल्टा एच दिया हुआ उसने M गैस से M3 प्लस गैस का, डेल्टा एच की वैल्यू 5x। तो देखो ये IE1 IE2 IE3 तीनों को जोड़ दो तो यही बन जाएगी रिएक्शन। इसका मतलब IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 5x। IE3 दिया हुआ है क्या आपको? x कहाँ, हाँ दिया हुआ है x, ये वाली x दी हुई है, तो ये तो हो गया x। अब बचेगा IE1 प्लस IE2 और IE1 की जगह आप देख सकते हो x by 2 into IE2 प्लस IE2 is equals to 4x। सॉल्व कर लो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं अपने अगले टर्म के ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों टर्म जानते हो? तो आप देखें एक न्यूट्रल एटम में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, चलो मैं कुछ भी डिफाइन करूं, उससे पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं। ये एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गोज टू प्रोडक्ट, इसका डेल्टा एच दिया हुआ है मैंने आपको -500। बताओ रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसका डेल्टा एच कितना है? -500 किलो जूल। अच्छा मैं पूछूं इस रिएक्शन में हीट रिलीज कितनी हुई? 500। कितना बोला आपने? 500। सबको पता है भाई एंथैल्पी चेंज जो है वो तो -500 है, और इस रिएक्शन में जो हीट रिलीज हुई वो कितनी है? 500। -500 तो नहीं बोलेंगे। अगर आप ये डिफरेंस समझ सकते हो तो आपको इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। इससे बनेगा A- गैस। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन करें, उसको हम डिफाइन करते हैं एज एंथैल्पी चेंज। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू और न्यूट्रल, हाँ आइसोलेटेड गैसियस एटम, भावना समझ लेना आप लोग। और जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखेंगे तब हम क्या बोलते हैं? द हीट रिलीज। बाकी सारी कहानी सेम है, तो यही डिफरेंस है। वन मोल हम थर्मोडायनेमिक्स में डिफाइन करते हैं, वन मोल के लिए ही डिफाइंड होती है सारी एंथैल्पीज। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी डिफाइन करो हमेशा वन मोल के लिए डिफाइन करते हैं। इसकी यूनिट आपको मिलेगी किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। खैर तो मैं कहाँ पे था, अगर आप देखें पहली चीज तो ये समझें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन एंथैल्पी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो आपके पास कोई एक एटम है, उसके पास न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इसमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये आप नया इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहते हो। तो बताओ जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा उसको न्यूक्लियस तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे होंगे? रिपेल। अब या तो ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, या तो इसकी लेने की टेंडेंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है। तो जिनकी नहीं है उनमें तो क्या कर रहा होगा? रिपल्शन डोमिनेट कर रहा होगा और वो इस इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है। लेकिन जो लेना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन या क्लोरीन, NH2NP5 एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में पहुंच जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन लेना तो उसके केस में बताओ रिपल्शन डोमिनेट करेगा या अट्रैक्शन? अगर अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो बताओ एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब? तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं जब उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज। यानी डेल्टा एच ईजी की वैल्यू कैसे आने वाली है? नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एडिशन में एनर्जी हमेशा क्या होगी? रिलीज। मान लो वैल्यू मैंने आपको दे दी -300, तो डेल्टा एच ईजी -300 है, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? हीट रिलीज। ये बात आपने डिस्कस कर ही ली थी, है ना, हीट रिलीज बोला तो साइन तो उसमें इंक्लूड हो चुका है। यानी एक चीज हमको सीखने को मिली कि किसी भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू और ईए की वैल्यू एक दूसरे की क्या होती है? नेगेटिव। लेकिन इसमें एक लोचा है, ये सिर्फ ट्रू है एट जीरो केल्विन। कहां पर ट्रू है? जीरो केल्विन पर दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम। अगर टेम्परेचर कुछ और हो तो रिलेशन होता है ये
माइनस डेल्टा एच ई जी इज इक्वल्स टू ई ए प्लस क्या होता है 5/2 RT। इसे आप याद रखें, ये एनसीईआरटी के येलो डब्बे में दिया हुआ है जो होता है ना, और ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस और एडवांस दोनों के अंदर यूज किया जा सकता है डायरेक्टली। हाँ, अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट जीरो गैलिन मान के चलोगे और डेल्टा एच ई जी और ई ए की वैल्यू एक दूसरे के नेगेटिव लेकर जाओ। एक बात, दूसरी बात, ये एक एलिमेंट था, अब आप बस सुनते जाओ मुझे, फिर लिख लेना एक साथ, एटलीस्ट हम ये तो कवर कर दें आज, जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को, मतलब एक ही क्लास में पीरियड खत्म करने की, अभी तो होगी, भूख लग रही होगी, है ना। चलिए, तो ये है -400, दिख रहा है आपको, बताओ इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ए की या बी की? बी की, है ना। तो आप समझो, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको सिग्निफाई करती है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को। या मोर पॉजिटिव ईए वो किसको सिग्निफाई करती है? इलेक्ट्रॉन लेने की। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जितनी ज्यादा नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है? उतनी ही ज्यादा। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज्यादा पॉजिटिव, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या है? उतनी ही ज्यादा। बोलो, समझ सकते हैं? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद आती है आपके पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करो, ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, उससे क्या बनेगा? ए माइनस गैस। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, अच्छा उनकी तो बात की नहीं जो नहीं लेना चाहते हैं। तो जैसे आपके पास हो गए एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कौन से हो गए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम। आपके पास हो गई नोबल गैसेस और हो गया नाइट्रोजन। इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बोलते हैं जीरो। ये इलेक्ट्रॉन लेना, इन सब की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज कितनी आती है? जीरो। और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कैसी आएंगी? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन लेना, अगर आप फिर भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो, जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तो आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई। समझ सकते हैं? कोई डाउट है किसी को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे डेल्टा एच ई जी वन। क्या बोलेंगे? यानी पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो जनरली जो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव। जो एलिमेंट लेना चाहते हो उसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब अगला इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे, अब ये इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं तो इलेक्ट्रॉन दे के रहूंगा, तो फिर आपको फोर्स करके इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कैसी होगी? पॉजिटिव। तो पहली नेगेटिव होती है, बाकी सारी कैसी होती है? पॉजिटिव। इसका मतलब जो ईए होगी वो पहली क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और बाकी सारी क्या होगी? नेगेटिव। ऑल्दो नेगेटिव बोलना सही नहीं है, तो हम इसीलिए जो ज्यादा यूज टर्म है, मोर प्रैक्टिकल टर्म है, वो कौन होता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? ज्यादा एफिनिटी होगी या एफिनिटी नहीं होगी। इसलिए जो मोर प्रैक्टिकल टर्म है वो कौन होता है? अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला नेगेटिव होता है, बाकी सारे कैसे होते हैं? पॉजिटिव। बोले, यहां तक समझ में आता है? एक बड़ी काम की चीज जिनको आप क्वेश्चंस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, ध्यान से देखना। एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव रही, हाँ, नेगेटिव हम बोल देते हैं, बोलना सही नहीं है ना। एफिनिटी नेगेटिव होने का क्या मतलब है? इसलिए आप देखना, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज लिखी हुई मिलती है आपको, एफिनिटी नहीं लिखी हुई मिलती है, वो नेगेटिव बोलना सही नहीं है उसको। खैर, मैं क्या कह रहा था, हाँ देखो, एक एलिमेंट है ए गैस, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो बताओ उससे आपको क्या मिल जाएगा? ए माइनस गैस। बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एच ई जी। माइनस होगा, एक वैल्यू भी देता हूं, वैल्यू से अच्छा समझ में आता है, -200 दे दी मैंने वैल्यू। अच्छा, मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख रहा हूं, ए माइनस गैस फॉर्म्स ए गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, सही है क्या? बताओ इसके लिए कितनी हो जाएगी? +200। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस गैस लिख सकता हूँ? और इसको डेल्टा एच ई जी ऑफ ए लिख सकता हूँ। यानी डेल्टा एच ई जी ऑफ अ न्यूट्रल एटम इज एक्चुअली इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए माइनस। मैं इसको एक, इसमें रटना नहीं है कुछ भी, आप देखते हो अपन कैसे डील कर रहे हैं। आप एक और चीज सोच सकते हो, अभी तो एनायन था ना, चलो कैटायन से बात करते हैं। बताओ ए गैस से ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन बना,
क्या मैं इसको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैस बोल सकता हूँ? उल्टा कर दो, मान लो इसके लिए 300, आयनाइजेशन तो पॉजिटिव होती है ना, उल्टा करो, ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन से बन रहा है ए गैस, बता इसको क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा एच ई जी ऑफ ए प्लस बोल सकता हूँ। इसका मतलब डेल्टा एच ई जी ऑफ कैटायन ए प्लस विल बी इक्वल टू क्या होगा? आई ई ऑफ ए गैस, सही है? यूज कर सकते हैं, चलिए अभी यूज करते हैं। उससे पहले जो डिफरेंट एक्सेप्शनल बिहेवियर होते हैं तो ये आप ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पहली चीज, हर थर्ड पीरियड एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अपने करेस्पॉन्डिंग सेकेंड पीरियड एलिमेंट से क्या होगी? ज्यादा। रीजन, जैसे मैं फ्लोरीन क्लोरीन का एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं आपको, फ्लोरीन या क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। यहां वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब यह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, बताओ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन कहां फील करेगा? जिनको नहीं आ रही कुछ नहीं कर सकते, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रिपल्शन ज्यादा फील करेगा, यहां पे कम फील, यहां पे ना चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लेने टेंडेंसी क्या होगी? कम। तो हर जगह यही काम होता है, थर्ड पीरियड एलिमेंट की साइज रिलेटिवली बड़ी होती है, उसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कम। सेकेंड पीरियड वाले की चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम, इसलिए अपने हर थर्ड मतलब एक पीरियड के अंदर थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा सेकेंड पीरियड से क्या होगी? ज्यादा। एक चीज, दूसरा आपको दो बिहेवियर याद रखने, एक हैलोजन्स का, तो हैलोजन में सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन, फिर कौन आता है? फ्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अपने ग्रुप में सबसे ही कम हो जाती है। ठीक, तो ऑर्डर क्या चलता है? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और ऑक्सीजन। तो ये हाँ वो हाँ पूछा है शायद मेंस में पूछा था, एक ही बात है वो मोर नेगेटिव वैल्यू होती जाएगी। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक ये ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में क्या हो जाती है? सबसे कम। रीजन सेम है, क्योंकि स्मॉल चार्ज साइज, स्मॉल साइज की वजह से चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। बोलो कर सकते हैं? चलिए एक बार आप ये कॉपी करो, फिर दो तीन क्वेश्चन करने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। आज अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक ही कवर करेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रेशन एनर्जी ये सब वगैरह हम लोग नेक्स्ट क्लास कवर कर लेंगे उसके अंदर, है ना? तो आप फटाफट से कॉपी करो, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इस पर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 22। सर क्लोरीन की, फ्लोरीन की एक्चुअली क्या है ना, फ्लोरीन का कॉन्फिगरेशन क्या था? 2s2 2p5। जब F- बन रहा है तो ये स्टेबल 2s2 2p6 कॉन्फिगरेशन में जा रहा है, तो आप कन्विंस थे, लेकिन जैसे आपने ऑक्सीजन को देखा तो आपके दिमाग में डाउट आया कि ऑक्सीजन तो सबसे पीछे चला गया, फ्लोरीन यहीं पे रह गया। तो उसमें क्या है, जब ऑक्सीजन देखोगे आप तो ऑक्सीजन कॉन्फिगरेशन था 2s2 2p4 और उससे बना O- 2s2 2p5। फ्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन पे जा रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ना तो वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन पे गया और एक इलेक्ट्रॉन लेके फंसा और गया, उस पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए ऑक्सीजन के अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? सबसे कम। लेकिन क्योंकि फ्लोरीन स्टेबल कॉन्फिगरेशन की तरफ जा रहा है तो उसकी सिर्फ क्लोरीन से कम होगी टेंडेंसी, अभी भी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने जो बाकी फैक्टर्स हैं, जेड इफेक्टिव है, साइज है, वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है, तो सिर्फ वो क्लोरीन से ही नीचे आता है, जबकि ऑक्सीजन लेने के बाद भी स्टेबल नहीं हो रहा, ये तो लेने के बाद स्टेबल हो चुका है, तो इसलिए ऑक्सीजन की टेंडेंसी अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाती है, फ्लोरीन दूसरे नंबर पर। हाँ जी, हो गया? Yes, बताएं आंसर ए कैसे? हाँ A minus. हम्म, तो पहला टेस्ट हो जाएगा उसका।
फिर उसके बाद 300 हाँ ऐसा बोल सकते हैं सर, रेशियो दिया हुआ है सही है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने बोला है कि एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इज -1/2 टाइम्स ऑफ इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, यानी आप या तो इसको डबल करके देख लो, कैसे भी कर लो। अब वो कह रहा है आपसे कि आपने ए प्लस गैस को कन्वर्ट किया है ए माइनस गैस में और इस प्रोसेस में 900 जूल हीट रिलीज हुई है। ध्यान दें, हीट रिलीज हुई ना, इस प्रोसेस का डेल्टा एच कितना होगा? -900 किलो जूल। बोले समझ में आ रहा है? Yes, आप इसे देखो तो यहां पर क्या होगा, पहले एक्चुअली ए प्लस से क्या बना होगा, ए गैस, और फिर ए गैस से क्या बनेगा, ए माइनस। ए प्लस से ए गैस, इसे हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए प्लस बोल सकते हो। और इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एच ई जी ऑफ ए। तो अगर आप इसको इधर से इधर जाओ तो ये क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हो जाएगी ना। सो दिस विल बी माइनस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए। बोले समझ में आ रहा है आप लोग? अब आपको दिया हुआ है या तो ये वैल्यू यूज कर लो, ये जो भी आपको यूज करना है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए जो है वो क्या होगी, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ई जी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ई जी। ये हो गया डेल्टा एच ई जी, दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। सो -900 शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ई जी। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes, sir. किसी को डाउट हो, चेहरे कुछ और बयां कर रहे हैं, वापस बताऊं? सही है ना? बताऊं? बताऊं? देखो ये ए प्लस से ए गैस बन रहा है, उल्टा जाओ, क्योंकि ए प्लस से ए गैस हो गया ई जी ऑफ ए प्लस, वो तो मुझे दी हुई नहीं है। तो मैंने देखा इधर से इधर जा रहा हूं तो मेरे काम में आ रही आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, ये रिलेशन उसने दिया है। तो देखो अगर मैं डेल्टा एच आयनाइजेशन के लिए निकालूं तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ईजी है। एक्चुअली यहाँ डेल्टा एच आयनाइजेशन ही तो काम में आ रहा है माइनस साइन के साथ। इस वैल्यू को यहाँ रखो तो माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 2 डेल्टा एच ईजी। ये डेल्टा एच ईजी दोनों को ऐड करके माइनस 900 के इक्वल कर दो, आपको डेल्टा एच मिल जाएगा। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 24 देखें। क्या नहीं तो उल्टा हो रहा है, तो माइनस प्लस हो ही रहा है आपने। अच्छा वो तो नेगेटिव साइन आएगा ही ना इसमें, इसलिए लिया नहीं, जब वैल्यूज रखेंगे विद साइन रख देंगे अपन, वो अपने आप आ जाए। एक सेकेंड, हाँ सही कह रहे हो, डेल्टा एच ई जी ऑफ ए आई ई ऑफ ए माइनस, हाँ ये माइनस आएगा, इसको माइनस कर लेना, ये माइनस आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पर भी वो विद साइन आएगी ना वैल्यूज, तो इसलिए। हाँ भाई 24 आ गया ए, किसी को डाउट? चलिए 26, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ए ही होगा, चलिए वेरी गुड, गलत है। बी बॉम्बे, डी दिल्ली, सी। देखो आपसे कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एक्स गैस, यानी जब एक्स गैस किस में कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स माइनस गैस में, इस रिएक्शन का डेल्टा एच आपको दिया हुआ है -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है,
आपसे बोल रहा है द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एक्स गैस एट द सेम टेम्परेचर। अब आपको निकालनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, या डेल्टा एच आयनाइजेशन लिख लेता हूं इसको, एक्स गैस, यानी एक्स गैस से आपको क्या बनाना है, एक्स प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो अगर मैं इसको उल्टा करूं तो एक्स माइनस गैस से क्या बनेगा बताओ, एक्स गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, सही है। इसको हम बोल देंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस, इसके लिए चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अब आप अगला देखो, अगर मैं एक्स गैस से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो क्या बनेगा, एक्स प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगी आई ई ऑफ एक्स। बोलो होगा, क्या ये सक्सेसिव एनर्जी बन चुकी है? और सक्सेसिव एनर्जी हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। तो आपको दिख रहा है कि आई ई ऑफ एक्स माइनस विल बी लेस देन क्या होगा, आई ई ऑफ एक्स। अगर आप ऐसे भी नहीं सोच पाओ तो नॉर्मली सोच लो यार। मान लो मैं आपसे बोलता हूं एफ और एफ माइनस, बताओ किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, तो जितना जल्दी चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, है ना। तो हमेशा एक नेगेटिव चार्ज एटम की आयनाइजेशन एनर्जी अपने न्यूट्रल एटम से रिलेटिवली क्या होगी, कम, ये ज्यादा होगी, ठीक है, ये ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो यहां से भी इसका उल्टा, वैसे आपने आपसे ना इसकी आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है, इसको उल्टा कर लो, ये इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो न्यूट्रल की आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा अपने एनायन से क्या होगी, कम, ज्यादा ही होगी। तो वैल्यू चार इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आनी चाहिए, वहां पर एक ही वैल्यू दी हुई है जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कर सकते हैं, चलिए। तो आप ये शीट ट्राई कर लें, जितना आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो सब तो है ही, रिविजन है एक तरीके का। हाँ, एक्स माइनस में नो प्रोटॉन नो इलेक्ट्रॉन, नो प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन फोर्स, अगर यहां एफ प्लस होता तो एफ प्लस की और ज्यादा होती, 9 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास।